किसी भी फील्ड में अपने आप का काम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना चाहते हो कि लोगों को पता चले ये मेरा काम है, आप अपने काम के लिए पहचाने जाओ, तो आपको थोड़ा अलग तरीके से अपना काम करना पड़ेगा। और वो अलग कैसे करोगे? आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। क्रिएटिव मतलब क्या? क्रिएट करे जो वो क्रिएटिव। और क्रिएट कौन कर सकता है? वो तो नहीं कर सकता जो कॉपी कर रहा है, वही कर सकता है जो अपना कुछ बना रहा है। और अपना बनता कैसे है? जब हम आसपास की चीज़ें देखते तो हैं, लेकिन उनसे वैसे ही नहीं करते जैसे ऑलरेडी हुई हुई है। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर आपको लिविंग रूम डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले जनरली लोगों के दिमाग में ये आता है कि लिविंग रूम है, सोफ़ा चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सोफ़ा वहाँ चाहिए ही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सोफ़ा हटा दो, बट ये ज़रूरी भी तो नहीं है कि सोफ़ा वहाँ हो। हमें क्यों सोफ़ा चाहिए होता है? इसका रीज़न है कि वहाँ पे लोगों को बैठाने के लिए जगह चाहिए, वहाँ पे लोग कन्वर्सेशन आराम से कर सके, एक दूसरे से बात कर सके, अपना एंटरटेनमेंट एरिया एंजॉय कर सके। इन सब चीज़ों को लिए हमें सोफ़ा चाहिए होता है। समझ में आता है? तो क्या यही सारे काम कोई और चीज़ भी पूरा कर सकती है? क्या मैं ऐसा कुछ डिज़ाइन कर सकता हूँ जो सोफ़ा ना हो लेकिन सोफे के सारे काम बिल्कुल वैसे ही करे जैसे सोफ़ा करता है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करे, वैसा ही कंफर्ट हो उसका, वैसा ही सब कुछ हो लेकिन वो सोफ़ा ना हो? तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर आप कहते हो हाँ, तो आप क्रिएटिव बन सकते हो, क्योंकि रूल्स को ब्रेक करने का नाम ही तो क्रिएटिविटी है, कि ऐसा होता है, ऐसा ही होगा, इसको तोड़ने का नाम क्रिएटिविटी है। अब बात आती है कि हम क्रिएटिव बनेंगे कैसे, कुछ नया बनाएंगे कैसे। बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये नहीं देखते कि क्या बनाना है, ये देखते हो कि किस काम के लिए उसे बनाना है, वो सोच के आप उसे अपने तरीके से डिज़ाइन करते हो कि ये प्रॉब्लम है कि हमें बैठने के लिए जगह चाहिए और इसका सोल्यूशन मैं क्या बना सकता हूँ, वो आप अपने हिसाब से बनाते हो, तो वो क्रिएटिविटी है। क्योंकि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर देते हो, तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसको एक ही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मैं करूँगा तो अलग तरीके से करूँगा, आप करोगे तो अलग तरीके से करोगे, कोई और करेगा वो अपने अंदाज से करेगा, और वही अलग अलग चीज़ों का होना इस क्रिएटिविटी। आपको क्रिएटिव बनना नहीं है, बस ये मानना छोड़ना है कि ये ऐसे ही होता है, सिर्फ इतना सा। सेकंड पॉइंट है, आपकी क्रिएटिविटी की वजह से ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका काम खराब हो गया। प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए उसमें। मतलब मैंने बोला सोफा की जगह हम कुछ और बनाएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कुछ भी बना देंगे। अगर आप सोफे की जितनी हाइट होती है उस हाइट पे नहीं बनाओगे तो आपके घुटने दर्द करेंगे, जो एजड लोग होते हैं वो ज़्यादा नीचे बैठ नहीं सकते। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि कंफर्ट होना चाहिए उसमें। ऐसे नहीं कि सिंपली मेरे को ना क्रिएटिव बनना है तो मैं कुछ भी बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटिविटी है, बिल्कुल अलग है। आज तक किसी ने नहीं बनाया, आज तक किसी ने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो बनाया नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल है बनाना, इसलिए क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बढ़ाता है। तो अगर आप वो चीज़ बना रहे हो जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, वो तो क्रिएटिविटी है। लेकिन आप कुछ भी बना रहे हो जस्ट बिकॉज आपको क्रिएटिव बनना है, तो वो क्रिएटिविटी नहीं है। वो सिर्फ ये है कि आपने कुछ भी बना दिया, आपके दिमाग को लग रहा है आप क्रिएटिव हो, वो प्रॉब्लम है एक्चुअल में, प्रॉब्लम के ऊपर एक और प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं करना है। तीसरी चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन। आप बेशक कितना ही प्रैक्टिकल डिज़ाइन बना लो, आप कितने ही क्रिएटिव तरीके से उसको नए तरीके से बनाने की सोच लो, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो आप उसको बनवाओगे कैसे? क्योंकि अगर आज तक किसी ने सबसे पहले बनाया ही आपने है, किसी ने आज तक वो चीज़ नहीं बनाई है, तो उसको बनाने में क्या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली, लेकिन आप उनको सॉल्व करने के लिए क्या रेडी हो? अगर रेडी हो तो आप क्रिएटिव हो, और आपको लगता है कि आपने डिज़ाइन कर दिया, आपने कंफर्ट का ध्यान रख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको बनाना कैसे है इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं, तो उस क्रिएटिविटी का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है उन सबका। लेकिन अगर ये तीन चीज़ें आपकी थिंकिंग कि कुछ नया बनाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, दूसरा है प्रैक्टिकलिटी, तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन, अगर इन तीन चीज़ों को आप ध्यान में रख के कुछ भी बनाते हो, तो वो क्रिएटिव अपने आप बन के आएगा। एक हमारा थॉट प्रोसेस होता है कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये वैसा ही होता है, इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। और इसको तोड़ते कैसे हैं? सपोज मैंने आपको बोला चेयर, इसके बाद ना आपको तीन वर्ड्स और बोलने हैं, तो आपके दिमाग में कैसे वर्ड्स आएंगे? चेयर से रिलेटेड ही, चेयर, टेबल, पिलो, और चेयर का कुछ भी, मतलब उनसे रिलेटेड वर्ड्स आएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपको एक एक्सरसाइज करनी है जिसमें आप जब भी फ्री हो, कोई भी काम में आपको खाली बैठे हो,
तो अगर 2 मिनट मिले ना तो आपको ये करना है कि एक वर्ड लो, उससे बिल्कुल अलग वर्ड सोचना है आपको। जैसे मैंने बोला रिवर, उसके बाद मैंने बोला पैन, और उसके बाद मैंने बोला फ्लोरिंग। देखो पैन के बाद मैंने फ्लोरिंग बोल दिया, यानी ये क्रिएटिव ब्लॉक है। लेकिन अगर आप बोलते हो रिवर पैन एंड देन यू से बाइसाइकिल एंड देन यू से स्काई, मतलब रैंडम चीज़ें मैंने बोली कि एक के बाद दूसरी जो बोली बिल्कुल मैच नहीं होती, तो आपकी दिमाग के सर्किट को हिला देगी कि एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें मिलती हुई नहीं है ना। यानी कि आपके दिमाग को ऐसी आदत पड़ जाएगी रैंडम चीज़ें सोचने की, और वो रैंडमनेस ही क्रिएटिविटी लेके आएगी। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना इसके बाद ये, क्योंकि लिंक्ड है वो चीज़ें, वही लिंक ही तो तोड़ना है हमें। अगर वो लिंक तोड़ दिया हमने तो हम रैंडम चीज़ें सोचने लग गए ना, और रैंडमनेस से ही क्रिएटिविटी बढ़ती है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हो क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, एक और एक्सरसाइज है, वो है ब्लॉक से खेलो। आप जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे, एक्चुअल में बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास ऐसे कोई पैटर्न होते ही नहीं है। तो उसको तोड़ने के लिए आप वैसे ही काम कर सकते हो जैसे बच्चे करते हैं, जैसे ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हो, अमेजोन पे मिल जाएंगे आपको, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इनसे आपको क्या होगा, आपको ना कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं इनके साथ, ऐसा ऐसा बना सकते हो आप इन ब्लॉक, वो मत बनाओ, आप अपने हिसाब से कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करो। और कोई इंसान अगर क्रिएटिव होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, ऐसा नहीं है कोई बीच में है कि मैं थोड़ा सा क्रिएटिव हूँ, ऐसा नहीं होता है। और जब आपके अंदर रैंडमनेस आने लगेगी ना इन ब्लॉक से, उन एक्सरसाइजेस से, कुछ ऐसा बनाने लगोगे आप जो आज से पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा बनाने का, क्योंकि आपके दिमाग में आई है ना वो चीज़, आपके दिमाग में जो आया वो कोई और कैसे सोच सकता है, बिल्कुल अलग हो आप बाकी लोगों से। तो आप उसको जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको अंदर से ये सर्किट्स टूटने लगेंगे आपके, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ना कि ये ऐसा ही होता है, उसकी वजह से वहाँ पे आपके चेंजेस आने लगेंगे, और अपने आप ही धीरे धीरे आप क्रिएटिव बनते जाओगे। ये एक दिन का काम नहीं है, साल लग जाए मे बी, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी बहुत क्रिएटिविटी बाहर आएगी, आपकी जो अंदर छुपी हुई है वो बाहर आएगी, और जो आपके अंदर है ना वो किसी और के अंदर नहीं, और वही आपको डिस्टिंग्विश करेगा क्योंकि वो आप हो। कोई और जैसा बनना चाहते हो आप तो वो क्रिएटिविटी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो कॉपी है, और कॉपी ना करने का ही काम क्रिएटिविटी का करता है। तो ये है गाइज, आई होप इट हेल्प यू। क्रिएटिव थोड़ा सा आप बन सकते हो इससे, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बन सकते हो अगर आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।